गाइस अपना ग्रे स्टील का हमने गेमिंग चेयर मंगाया था एंड गेमिंग नहीं बोल सकते इतना बट हाँ नाम उसका गेमिंग है तो गेमिंग चेयर है एंड तो चेयर आ चुका है अमेजोन से मंगाया था, डिलीवरी हो चुकी है मुझे 14 बता था मुझे 10-14 जैन तक आने को बताया था एंड आज डेट है 10 जनवरी तो आज के आज ही आ गया। ये है अपनी ग्रे स्टील की गेमिंग चेयर जिसका कि ये देख सकते हो SQ6668 करके हैं एंड यहाँ पर ये देख सकते इसका ट्रांजिट का है। सो इस तरह से इसे जल्दी से अनबॉक्स करते हैं। तो हमें ये सारी चीज़ें मिली है इसके अंदर, ये लुम्बार वाला है कुशन जो कि USB के साथ आता है फॉर मसाज आप देख सकते हो। उसके बाद ये हैंड रेस्ट है दो, ओके तो दो हैंड रेस्ट दिए हैं। ये नेक वाले कुशन है, ये बैक एंड ये लेग रेस्ट वाला है जो एक्सटेंड होता है वो है। फिर ये व्हील बेस, ये है व्हील बेस एंड देन ये है कुछ आई गेस टूल सेट होगा ये, लेट्स सी। अच्छा ओके टूल सेट नहीं है, ओके ओके लेग्स है, हाइड्रोलिक है एंड हाँ टूल्स भी है एंड ये आर्म रेस्ट के साइड वाले है एंड ये भी आई गेस ये हाइड्रोलिक के यहाँ का होगा, ये दिया हुआ है एंड उनका मैनुअल भी दिया हुआ है। ये है मैनुअल किस तरह यूज़र गाइड कि क्या क्या मिलने वाला है।
तो अभी अपनी इस तरह से चेयर असेंबल हो चुकी है। हाँ, बस दो चीज़ें लगाने बाकी है, वो लगा लेता हूँ मैं। हैंड ओवर पकड़। तो बस ये लगाएंगे हम, इसे हम ऐसे पीछे से लेके यहाँ ऐसे। अच्छा, वो नेक रेस्ट है। इसकी जो मसाज वाली कुशन है, लंबर कुशन, वो लगाएंगे अब हम। USB पावर है ये, देख सकते हो, USB पावर्ड है ये। इस तरह की USB पावर्ड है ये, आप यहाँ से साइड से डाल सकते हो। एंड ये यहाँ से पीछे डाल के ऐसे पीछे डाल के पीछे के साइड से निकालना है। एंड इसी को हम अब लेंगे इसके पीछे से। एंड इसको भी लेंगे हम अब इसके पीछे से। एंड हम इन दोनों को कर देंगे टाइट। लूज कर दे चाहिए तो so, इस तरह से हो चुकी है। अब मैं बैठ के देखता हूँ, एक सेकंड, इसको साइड में रख देता हूँ। ये दो चीज़ें आपके पास रिमेनिंग रहती हैं, ये तो एलन की है, एक स्क्रू एंड एक वाइस। सो ये रहता है। आई गेस मैंने ये उल्टा लगाया है। अब सही है ना? यस। ओके, सो हमारी घड़ी आ चुकी है इसके ऊपर बैठने की। फर्स्ट टाइम आरंभ होएंगे हम इसके ऊपर। अब ये 90 डिग्री नहीं है, आप लाइक देख सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ साइड से। रुक जा उधर और इधर जा। 180 डिग्री है। ओके, सो मैं साइड से दिखाता हूँ आपको। ये है एंड इसके बाद, अरे भाई कितनी जाती है, 180 डिग्री हो गई क्या फुल? वो तू कुशन हटा देगा तो अच्छा हो जाएगा, बैक वाला, फिर तू सीधे सो पाएगा। गिरने जैसी फीलिंग आ रही है, बट इट्स सुपर कंफर्ट। अगर ये कुशन आप हटा देते हो, ये मसाज लंबर कुशन अगर आप हटा देते हो, तो यहाँ से स्पेस अच्छे से मिल जाएगा, ताकि आपका जो बैक है वो अच्छे से नीचे रेस्ट करे। एंड ये वाली कुशन तो है ही, आप इसे नीचे करके नेक के लिए ऐसे ले सकते हैं। एंड इट्स प्रीटी इजी। सोना नहीं है, उठ जा। ओके स्लोली। इट इज जस्ट लाइक आर फोर व्हीलर कार जो हम यहाँ से करते हैं। ये है ऊपर नीचे करने के लिए, आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये ऊपर किया बस ऐसे, आगे आ जा अभी ऐसे, ये नीचे पूरा होना चाहिए ऐसे, तो ये लॉक हो जाता है इस तरह से। एंड इसे भी आप चाहे तो यहाँ से रख सकते हैं, वरना USB को आप पीछे से निकाल सकते हैं बाहर। मैं उसे ये कर लेता हूँ पहले। तो इस तरह से आप USB निकाल के आप अपने PC में लगा सकते हो इसे।
अभी के लिए हम लगाएंगे पावर बैंक के अंदर बेटर सी। ये है पावर बैंक एंड ओह माय गॉड इट्स वाइब्रेटिंग। इफ यू कैन हियर अ साउंड देन लिसन। It's vibrating. Like if I will, अगर मैं मोबाइल को टच करके रखता हूँ तो ये देख लो, ये देखिए एलन की कैसे हिल रही है, वाइब्रेट हो रहा है ये पूरा। यस तो ये काफी अच्छा मसाज दे रहा है यार, मुझे अब उठने का मन नहीं हो रहा है बिल्कुल भी, ऐसे लग रहा है बैठा रहो यही पर एंड पावर बैंक को ये कर दो कहीं पर, ऐसे रख भी दे दिया तो भी चलेगा, बट हम तो पीसी में लगा लेंगे बाद में जब चाहिए तब। बट इट्स प्रीटी हाँ यार, ऐसे टेबल भी दे देते साइड से अच्छा हो जाता ना। ओके चलो हम बना लेते टेबल, लेग का भी देखते हैं हम, एंड दिस इज फॉर द लेग सो इट्स जस्ट लाइक दिस। इट इज मैं जा रही हूँ इसको लेके मेरे बेडरूम में। अरे भाई ओ भाई ठीक है भाई। ओके सो ऐसे रेस्ट कर लिया। ओके यस इसमें कोई डाउट नहीं, ओनली प्रीटी कंफर्टेबल। अरे सुपर्ब ऑसम है, बहुत अच्छा है, कंफर्टेबल है। कुशन इसका जो मेन कुशन है, आपने जो बर्ड्स के नीचे का कुशन है उसको बहुत लोगों का ये रहता है प्रॉब्लम होता है उससे। फिलहाल वाइब्रेशन बंद कर देंगे। अच्छा मेरे को ट्राई करना है वाइब्रेशंस। तो इसका जो नीचे का कुशन होता है उसके बारे में लोगों को बहुत लोगों को डाउट होता है कि कितना कंफर्टेबल है क्या है। इवन दो फॉर दोज जिनको लोअर बैक में पेन होता है लाइक स्लिप डिस्क का वगैरह उनका ये होता है प्रॉब्लम होता है, तो उनके लिए भी आई विल से इट इज प्रीटी कंफर्टेबल। बहुत कंफर्टेबल है, प्रीटी नहीं बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, अच्छा कंफर्टेबल है। एंड ये स्प्रिंग वाला फॉर्म है, ये देख सकते हो आप, ये स्प्रिंग वाला है। लाइक अगर मैं उठता हूँ मेरा वेट इतना नहीं है तो इसलिए वो दबा हुआ नहीं दिखेगा आपको फॉर्म, बट आपको अगर मैं दबा के दिखाऊँ तो ये देख सकते हो आप, इट इज अ स्प्रिंग वाला फॉर्म। सो ये काफी काफी आपको साइड से उभर के आता है लाइक बाहर आता है, तो वो आपको एक साइड से यहाँ साइड से आपको अच्छे से कंफर्ट देता है, सपोर्ट देता है आपको। आप जैसे कोने में जाके बैठते हो ना कहीं पर, ऐसे कोने में जाके बैठ गए तो अच्छा लगता है, बिल्कुल वैसा फील आएगा आपको बैठने पे यहाँ पे। एंड लोअर बैक के लिए यार मसाज के लिए तो है ग्रे स्टील, काफी अच्छा काम करा है। एंड ये भी है, इसका भी काफी अच्छा उपयोग हो जाता है। एंड ग्रे स्टील की ब्रांडिंग है, ग्रे कलर है, ग्रे एंड ब्लू कलर, ये देख सकते आप स्टिचेस एंड ऑल। यहाँ पर मैंने अभी तक तो डिफेक्ट के लिए कहीं चेक नहीं करा है, मैं डिफेक्ट के लिए भी चेक कर लेता हूँ। लाइक असेंबल कर लिया है सब एंड आई कांट सी एनी डिफेक्ट्स इन दिस टिल नाउ। अभी तक तो कोई डिफेक्ट नहीं लग रहा है मुझे, क्योंकि कहीं पर स्टिच एंड ऑल निकला हुआ है, ऐसा कहीं पर भी मुझे फील नहीं हुआ है। और यहाँ पे चेंज दे रखे हैं, आप इसको डिसेंबल करके जैसे हमने असेंबल करा उसी तरह से डिसेंबल करके चेंज से कवर निकाल के इसे धो भी सकते हो आप, तो एक फ्लेक्सिबिलिटी वो मिल जाती है कि आपको डर होता है कि इसे निकाल के धो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, गंदा हो जाएगा तो क्या कर सकते हैं, तो इस तरह से हम धो सकते हैं। एंड ये है 3D आर्म रेस्ट, सो इट इज लाइक हाँ ये है, इसको ऊपर करेंगे तो ये ऊपर नीचे होगा, ठीक है ये है ये है। एंड या इस तरह से है, ये अंदर बाहर भी होते हैं एंड ये ऊपर नीचे भी होते हैं इस तरह से। सो हाइटेड पीपल्स के लिए ऊपर एंड लो हाइटेड पीपल्स के लिए नीचे, अकॉर्डिंग टू यू आप भी रख सकते हो। एंड दोनों साइड्स के होते हैं आप देख सकते हो ये भी एंड इवन ऊपर एंड नीचे। एंड आपको तो ये दिखाई दिया है, ये अगर आपको डिसेंबल करना है तो इसे ऐसे करके बाहर खींच देना, ये अनलॉक हो गया और इसको अब लॉक कर दिया, अब वो गैस लिफ्ट निकलेगा नहीं। तो ये ऊपर करने के लिए बस ऊपर करना है, नीचे करने के लिए भी बैठ के अब वो ऑटोमेटिक ऊपर करेंगे तो नीचे चला जाएगा। तो इस तरह से है अपनी ये ग्रे स्टील की पूरी चेयर। अब बात करेंगे इसकी प्राइस की, हमने लिया है इसे, आपको दिखा देता हूं मैं, हमने लिया है इसे 18,500 रुपीज़ में, ये देख सकते हो आप
अमेजोन से परचेस करा है 18,500 रुपीज़। आप इनके वेबसाइट से भी परचेस कर सकते हैं, चेन्नई से आया। मैंने इनसे पहले व्हाट्सएप पर इनके व्हाट्सएप नंबर भी डाल दूंगा मैं नीचे, इनके व्हाट्सएप पर मैंने पहले कॉन्टैक्ट करके ये पूछ लिया था कि अगर मुझे कंफर्टेबल का इशू होता है, क्योंकि बहुत से लोगों को कंफर्टेबलनेस का इशू होता है, तो आप उनको व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं अगर मुझे कंफर्टेबल का इशू होता है तो क्या ये रिटर्न होगी। आप डायरेक्टली भी पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने डायरेक्टली पूछा है रिटर्न होगी या नहीं होगी, तो उनका रिप्लाई था कि विद इन 10 डेज अगर कंफर्टेबल का किसी भी तरह का इशू होता है हम रिफंड कर देंगे आपको, यानी आप रिटर्न कर सकते हैं। तो वो भी एक फ्लेक्सिबिलिटी मिली मुझे उनसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करने से, तो इस वजह से मैंने इस चेयर को ये करा है, क्या करते हैं उसको, परचेस नहीं, उसको बाय प्रेफरेंस दिया, हाँ प्रेफर करा, इसलिए तो मुझे ये फ्लेक्सिबिलिटी मिली मुझे, इसलिए मैंने इस चेयर को प्रेफरेंस दिया हुआ है और उस वजह से मैंने बाय करा है। तो वो दिमाग में थोड़े शब्दों का अदल बदल हो जाता है। ओके, तो ये कहना था मुझे कि इस तरह से अपने वीडियो का अंत यहाँ पे होता है, एंड अच्छा लगा तो कृपया करके लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, एंड टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट, अरे हाय, नेक्स्ट वीडियो में।